उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की पुलिस एएसआई ने जान ली। पुलिस एएसआई ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी और ये वाकया तब का है जब मंत्री एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। तो वहीं अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एएसआई ने इतना बड़ा जुर्म कैसे और क्यों किया। अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि बेरहामपुर के MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग के हेड डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने एएसआई गोपाल दास के बारे में बड़ा खुलासा किया है। चंद्रशेखर त्रिपाठी ने बताया कि एएसआई गोपाल दास बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी के शिकार थे। वो लगभग 8 से 10 साल पहले उनके क्लिनिक पर पहली बार आए थे। उन्हें गुस्सा बहुत जल्द ही आ जाता था जिसका इलाज उनके क्लिनिक में चल रहा था। डॉक्टर ने ये भी कहा कि वो बता नहीं सकते कि आखिर एएसआई नियमित रूप से दवाई ले रहे थे या फिर नहीं। अब इस पूरी घटना के बाद पुलिस विभाग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उड़ीसा के पुलिस विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक एएसआई जो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम के मानसिक बीमारी का शिकार है, आखिर उसे कैसे गन दी जा सकती है। आखिर उस एएसआई के पास रिवॉल्वर कैसे थी। इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित इंसान के पास आखिर इतनी जानलेवा हथियार को छोड़ने का क्या मतलब बनता है। ये सारे सवाल अब पुलिस पर दागे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। हालांकि पुलिस अभी इस मामले से जांच करने की बजाय कई दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। क्या बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से एएसआई ने मंत्री की जान ली या फिर जानबूझकर कोई दूसरा षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही थी। और सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ में प्रोटोकॉल और सुरक्षा व्यवस्था पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में क्या आगे बड़ा खुलासा होता है और एएसआई को क्या सजा मुकर्रर होती है।